हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम सागर वर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। अनबॉक्सिंग दोस्तों है वीवो का Y93 का वीवो का है जो फ़ोन मैंने परचेस किया। तो दोस्तों, सो मैं इसके अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इसमें क्या खासियत या क्या फीचर्स है मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं और इसमें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को पूरे बने रहिए इस अनबॉक्सिंग वीडियो को लेकर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि दोस्तों रोजाना इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो दोस्तों, बात है मेरे हाथ में वीवो Y93 के, देखिए बॉक्स है। तो दोस्तों, मैंने इस फोन को दुकान से परचेस किया है, ना कि दोस्तों कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह से मैं इस दुकान से परचेस किया। तो वाकई मैं इस फोन को मैं एक बार खोल चुका हूं और इस चीज़ को देख चुका हूं कि दोस्तों कोई फ़ोन जाइए अभी कोई दुकान पर उसको देखना होता है कि फीचर वगैरह। तो दोस्तों, मैं इस फ़ोन को खोल चुका तो मैं इस फ़ोन के पूरे फीचर्स को मैं बताता हूँ। तो देख सकते हैं ये, तो देखिए एक फ़ोन है हमारे साथ, इससे फ़ोन मिला है तो वीवो का है। तो इसमें इसे ऑन कर रहा हूँ तो साथ में इसे रखते हैं साइड में, तो और साथ में देखते हैं। तो इसके साथ दोस्तों आप बेसिकली आप समझ सकते हैं इसके अंदर एक केस होगा जो वीडियो फ़ोन को कवर लगाने के लिए केस है, तो अच्छा है तो फाइबर केस है, तो इसमें केस है। और इसके साथ दोस्तों हमें मिला है इसके साथ कुछ चीज़ें, मैनुअल गाइड्स, तो मैनुअल गाइड्स है और इसमें जो हमारे सो काम के नहीं थे दोस्तों, इसमें मेरे काम के जो अब पिन को जो सिम को इंस्टॉल करने के लिए रहता है तो इसमें है। तो दोस्तों, इसके साथ में दिया गया है और ये तो डाटा केबल अब समझ सकते हैं जो USB केबल का टाइप का है जो इसे चार्ज करने फ़ोन के आ साथ में। और ये दोस्तों साथ में एक चार्जर दिया गया है, तो ये चार्जर में दोस्तों 5.0 वोल्ट का है तो समझ सकते हैं बढ़िया इस पे। ऐसे दोस्तों इस फ़ोन के दोस्तों खासियत बात ये है कि ये स्पीड चार्जिंग का सपोर्ट करता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, सब कुछ साइड में रखते हैं और इस फ़ोन के कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ इसके, तो देख सकते हैं मेरे हाथ में फ़ोन है तो मैंने ऑलरेडी इसको ऑन कर रखा है, तो मैं इसे अनलॉक करता हूं तो देख सकते हैं। तो मैं इसके बाकी फ़ीचर्स को बता रहा हूं, जैसे कि इसके देखिए सेटिंग को मैंने कर दिया है। और मैं इसके बात करता हूं इसके जो बाकी फ़ीचर है, स्टोरेज रैम जो भी हो, तो इस रैम में देख सकते हैं दोस्तों ये 4GB वाला रैम है और जो टोटल इसमें 32GB स्टोरेज दिया गया है, 4GB रैम है इसमें। तो इसमें जो बात करें जो फीचर्स, जैसे कि इसमें और जो मोर सेटिंग में जाकर अबाउट द फ़ोन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मॉडल नंबर वीवो 8015 का है, जो दोस्तों एंड्रॉयड वर्जन की बात करते तो यही एंड्रॉयड वर्जन 8 ओरियो का 8.10 दिया जा रहा है। तो जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी बेस एंड्रॉयड का वही चल रहा है, तो लगभग सारे फ़ोनों में 8.1 ओरियो का या 9.0 ही चल रहा है। तो दोस्तों इसमें एंड्रॉयड वर्जन 8.1 का दे रहा है। तो जो इसमें सिक्योरिटी पेच लेवल दोस्तों 1 जनवरी दोस्तों ये दिया है 5 जनवरी 2019 का, तो 5 जनवरी 2019 का सिक्योरिटी पेज दिया है। और प्रोसेसर की जो दोस्तों में जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेसर यूज किया है ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.0 GHz के प्रोसेसर को यूज किया गया है इसमें। तो प्रोसेसर ठीक कह सकते हैं सही मायने में दोस्तों, अभी इससे नॉर्मली तो आपकी सिंपल फोन यूजिंग के लिए ये फ़ोन अच्छे खासे फीचर में अवेलेबल है। तो ये सही मायने में कह सकते हैं नॉर्मल टाइप का, अभी जो कह सकते ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसकी बात करें कैमरा के दोस्तों, इसमें कैमरा के मैं कुछ बीट्स हैं आप, जैसे कि मैं इसके कैमरा को लेकर जैसे फ्रंट में जैसे 8 MP का और रियर में 2 MP कैमरा दिया गया है। देख सकते हैं दो कैमरा दिए हैं, ड्यूअल कैमरा सॉरी दोस्तों, एक 30 MP 2 MP का कैमरा दिया है। फ्रंट में जो एक देख सकते हैं नॉच है, इसमें सिर्फ नॉच पर एक ऑर्डर ऑफ नॉच जिसमें दोस्तों इसमें 8 MP कैमरा दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में इसके शेयर कर रहा हूँ, इसका फोटो पर दिया गया है जो फ्रंट कैमरा का फोटो और रियर कैमरा का। तो दोस्तों इसमें कैमरा में तो खैर इतनी खासियत नहीं है, बाकी जो फ़ोन करते थे यूजुअल के लिए अच्छा फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं अपनी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।